Students, today we are going to discuss the topic that is thermostate functions and feedback control, feedback control in human. In human. बच्चों जिस तरह डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट होता है इसी तरह हमारी बॉडी में भी एक थर्मोस्टेट पाया जाता है जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है अब हम देखेंगे कि ये किस तरह वर्क करता है द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर रेंज जो है वो तकरीबन थर्टी सिक्स पॉइंट वन टू थर्टी सेवन पॉइंट एट है इसको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन के अंदर ये जो टेम्परेचर है दिस टेम्परेचर रेंज इज़ कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर की वेरिएशन को रोकता है इट एक्ट एज थर्मोस्टेट थर्मोस्टेट का मतलब होता है टेम्परेचर को स्टेबलाइज़ करने वाला और ये क्या है जी हाइपोथैलामस है अब हम ये देखेंगे कि जब टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है तो ये कैसे कंट्रोल करता है हाउ इट कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर तो दो कंडीशंस में पहली कंडीशन हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे और वो है कि इफ टेम्परेचर गोज़ अपवर्ड यानी इस रेंज से ऊपर जाएगा तब हाइपोथैलेमस इसको कैसे मैनेज करेगा थर्मोस रिसेप्टर्स इन आवर स्किन हमारी जल्द के अंदर थर्मो रिसेप्टर होते हैं जो मैसेज को भेजते हैं डिटेक्ट करते हैं सबसे पहले चेंज को और फिर उसके बाद उसे रिसीव करके आगे सेंड करते हैं टू द ब्रेन यानी हाइपोथैलमस में जल्द के अंदर मौजूद रिसेप्टर उसको रिसीव करते हैं और हाइपोथैलमस में भेज देते हैं अब हाइपोथैलमस या ब्रेन क्या करता है आवर ब्रेन सेंड दिस मैसेज टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स स्वेट ग्लैंड्स और सेकेंडली हमारी ब्लड वेसल्स को ये भेजता है जिससे वहाँ पर वेसल्स डायलेट करती हैं तो ये हम अभी डायग्राम में भी समझेंगे तो ये मैसेज वहाँ चला गया स्वेट ग्लैंड स्वेटिंग करेंगे वेपोरेशन होगी कूलिंग होगी वैजो डाइलेशन में स्किन की जानब ये चला जाएगा ब्लड और स्किन से ये हीट डेसीपेट हो जाएगी टू द एक्सटर्नल इन्वामेंट सेकेंड दूसरी जो कंडीशन है ये स्टूडेंट्स हम आगे डायग्राम में भी समझेंगे सेकेंड कंडीशन है इफ़ द टेम्परेचर गोज़ डाउन अगर इस रेंज से नीचे टेम्परेचर जाता है तब क्या अप्रोच है तब भी थर्मो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं हमारी स्किन में जो डिटेक्ट करते हैं द डिक्रीज इन द टेम्परेचर एंड सेंड द मैसेज टू द हाइपोथैलमस उसी तरह पैगाम हाइपोथैलमस को गया और हाइपोथैलेमस अब ज़रूरी एक्शन परफॉर्म करेगा क्या करेगा बच्चों शिवरिंग थर्मोजेनेसिस या नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है इनके ज़रिए टेम्परेचर को अप करेगा एंड सेकेंड वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स नालियाँ सकड़ जाती हैं ब्लड वाली जो स्किन वाली साइड पर जा रही हैं जिससे हीट ज़ाया होने से रुक जाती है तो अब ये सारी डिस्कशन जो हमने की दोनों सूरतों में अप जाने वाली और डाउन जाने वाली इसको हम डायग्राम के ज़रिए बहुत बखूबी इस बात को समझेंगे कि किस तरह से हाइपोथैलेमस चेंज को डिटेक्ट करता है यहाँ पर सेंटर में हम एक बॉक्स बनाएंगे जहाँ पर हम अपनी बॉडी टेम्परेचर की रेंज लिखेंगे जो आप सब बच्चे जानते हो थर्टी सिक्स पॉइंट वन टू थर्टी सेवन पॉइंट एट डिग्री ये हमारा बॉडी का टेम्परेचर है अगर टेम्परेचर अप जाता है इस रेंज से ऊपर जाता है तो इसको स्किन में मौजूद थर्मो रिसेप्टर्स थर्मो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे और पैगाम को भेज देंगे ब्रेन में तो यहाँ पर हम ब्रेन ड्रा करेंगे इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से ड्रा किया जाता है बहुत सिंपल है ये हम आगे चल के ड्रा करेंगे जब ये टॉपिक्स आएंगे आगे तो वहाँ इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो ये है हमारे पास ब्रेन हाइपोथैलमस को पैगाम चला गया अब हाइपोथैलमस से दो जगहों पर पैगाम जाता है पहले नंबर पर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद स्किन के अंदर मौजूद जो ब्लड वेसल्स हैं ब्लड कैपिलरीज हैं तो इस तरह से आपने ड्रा करनी है बच्चों इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा इसको डार्क कर लेते हैं और इसके बाद इसके अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास स्किन के अंदर मौजूद ब्लड वेसल्स हैं जो डाइलेट हो जाती हैं और ब्लड स्किन एरियाज़ में जाता है जिससे हीट वेपोरेट हो जाती है दूसरे नंबर पर हमारी स्किन के अंदर आ, 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 स्किन यहाँ पर हम छोटा सा पैच स्किन का ड्रा करेंगे और इसमें हम मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इसमें स्वेट ग्लैंड हैं तो स्वेट ग्लैंड ऑन हो जाएंगे स्वेटिंग होगी जिसम गीला हो जाएगा एवेपोरेशन से कूलिंग होगी एवेपोरेशन से कूलिंग uh, और उधर से वेजोडाइलेशन से हीट डेसीपेट हो जाएगी और दोनों के कंबाइन इफेक्ट से जो टेम्परेचर ऊपर गया था वो नीचे चला जाएगा और दोबारा वो ही हमें टेम्परेचर हासिल हो जाएगा अब हम दूसरी जानब जाते हैं दूसरी कंडीशन में टेम्परेचर कम होने जा रहा है ये हम एरो का निशान लगा रहे हैं अब इस को भी हमारी स्किन के अंदर मौजूद रिसेप्टर्स थर्मो रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे पैगाम उसी तरह हाइपोथैलमस को जाएगा और हाइपोथैलमस को हम दोबारा यहाँ पर ड्रा करेंगे पहले डॉटेड लाइंस फिर कर्वड लाइंस और फिर हमने इनको आपस में मिला देना है जी तो इस तरह ये हमारे पास ब्रेन अब ब्रेन ने पैगाम भेजना है दो जगहों पर पहले नंबर पर यहाँ पर हम वही ड्रा करेंगे बच्चों इसको मिटा लेते हैं ये ब्लड वेसल ड्रा करेंगे कैपलरीज़ ड्रा करेंगे तो जैसे हमने ऊपर ड्रा की हैं उसी तरह हम उसकी डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे इसको डबल कर लेंगे और फिर इसको कलर्ड अंदर से कर लेंगे फिर इसको फिल कर देंगे अंदर से इस तरह करके ये सारे स्टेप्स आपने समझने हैं ताकि आपको ड्रा करने में आसानी रहे तो ये हमारे पास ब्लड कैपलरीज बन गई तो यहाँ पर वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है याद रहे जब सर्दी लगती है तो ब्लड सप्लाई स्किन एरियाज में रोक दी जाती है और ये स्किन मैं दोबारा सॉरी यहाँ पर स्किन तो ड्रा नहीं होएगी यहाँ पर स्केलेटल मसल्स हम ड्रा करेंगे ये बॉन है और बॉन के साथ जो मसल जुड़े होते हैं उन्हें स्केलेटल मसल्स कहा जाता है और इनमें कॉन्ट्रेक्शन होती है जिससे शिवरिंग होती है और शिवरिंग के नतीजे में हीट प्रोड्यूस होती है एज अ बाय प्रोडक्ट तो यहाँ से शिवरिंग मैकेनिज्म होगा स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे शिवरिंग होगा और दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से टेम्परेचर जो नीचे गया था ऊपर चला जाएगा और वही रेंज हमें हासिल हो जाएगी थैंक यू